सलीम स्पार्टन वर्सेस नेलाई रॉयल किंग का 23rd TNPL T20 मैच। तो आइए दोस्तों आज के मैच के बारे में आपको सब कुछ बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, CBTF अर्नर YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में तमिलनाडु प्रीमियर लीग के 23rd मैच की विनिंग टीम रिपोर्ट आप सभी दोस्तों के सामने पेश कर रहे हैं। सलीम स्पार्टन वर्सेज नेलाई रॉयल किंग्स का यह मैच आज शाम 7:30 बजे M.E. चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में खेला जाएगा। अगर हम दोनों टीमों की अंकतालिका में पोजीशन की बात करें तो दोनों टीमों ने 5-5 मैच खेले। सलीम स्पार्टन्स ने 5 में से 1 मैच जीता, वहीं नेलाई रॉयल किंग्स ने 5 में से 2 मैच जीते। दोनों ही टीम काफी बुरी स्थिति में है। अगर अंतिम मैचों की बात करें तो आज हम अपने इस वीडियो में ड्रीम 11 टीम टॉस जैसा लंबी पारी जैकपॉट कॉल सभी टॉपिक कवर करेंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। अगर हम दोनों टीमों के अंतिम 5 मैचों की बात करें तो सलीम स्पार्टन्स ने लॉस 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 विन लॉस, वहीं नेलाई रॉयल किंग्स ने नो रिजल्ट लॉस विन लॉस। ये अंतिम 5 मैचों की बात की जा रही है। यह मैच M.E. चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में खेला जाएगा। इस मैदान में एवरेज स्कोर आजकल 135 के आसपास बन रहा है। यह पिच बॉलिंग को बहुत ज्यादा मदद कर रही है। मौसम भविष्यवाणी के अनुसार आज बारिश हो सकती है। यह मैच स्टार स्पोर्ट्स पर लाइव आएगा। दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर हम ड्रीम 11 टीम की बात करें तो विकेट कीपर के रूप में आप P.R. पॉल और यू सुशील को चुन सकते हो। बैट्समैन में आप डीप हरजयो और एल सूर्य प्रकाश को अपनी ड्रीम 11 टीम में स्थान दे सकते हो। वहीं ऑलराउंडर के रूप में एस यादव और ए मोहन हमारी पहली पसंद हो। इन दोनों खिलाड़ियों को आप ड्रीम 11 टीम में अवश्य चुने। बॉलर के रूप में जी पेरिस स्वामी और MG मूर्ति आज काफी विकेट ले सकते हैं। इन खिलाड़ियों को आप अपने कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। अगर हम सैशन लंबी पारी की बात करें तो हमारे व्हाट्सएप पेड वीडियो सर्विस देनी हो व्हाट्सएप पेड वीडियो सर्विस में जो सैशन लंबी पारी ट्रेडिंग सब कुछ बताती है। व्हाट्सएप हमारी एडवांस प्रीमियम पेड सर्विस है। अभी हम बात कर रहे हैं पावर प्ले का। अगर सलीम स्पार्टन पहले बल्लेबाजी करती है तो 25 से 33 के बीच 6 ओवर में स्कोर बन सकता है। वही 20 ओवर लंबी पारी में सलीम स्पार्टन 126 से 156 के आसपास रन बना सकती है। यदि नेलाई रॉयल किंग्स पहले बल्लेबाजी करती है 6 ओवर पावर प्ले में स्कोर 33 से 40 के बीच बना सकती है। वहीं 20 ओवर में नेलाई रॉयल किंग्स 135 से 155 के आसपास स्कोर आज बना सकती है। दोस्तों को पसंद आ रहा हो लाइक के बटन पर क्लिक करें और साथ में कमेंट भी अवश्य करें। अब हम आते हैं टॉस रिपोर्ट, टुडे मैच टॉस रिपोर्ट, टुडे मैच टॉस रिपोर्ट। आज का मैच में टॉस कौन जीतेगा, किसका किसके लिए टुडे मैच टॉस विनिंग स्पार्टन। आज के मैच में टॉस सिलेक्ट स्पार्टन जीतेगी। दोस्तों ने अभी तक हमारा वीडियो लाइक नहीं किया तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें। अब हम आते हैं दूसरे की बात, दूसरे की बात है टुडे मैच जीतेगी। आज का मैच कौन जीतेगा, इस मैच को नेलाई रॉयल किंग्स जीतेगी। इसी के साथ मैं आप जाता हूँ।